दिवाली का त्यौहार हो तो कुछ तो मीठा बनता है, तो मैंने बनाए हैं चॉकलेट बॉम्ब्स, बहुत ही टेस्टी और यमी। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? वेलकम टू माय चैनल सिल्वी कुक्स, और आज मैं लेके आई हूँ एक और बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी आप सबके लिए लेके। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के मजा आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का रेसिपी। चॉकलेट बॉम्ब की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने करना है व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट, मैंने लिया है 100 ग्राम। इसे करेंगे मेल्ट एक चुटकी केसर के साथ। इसे मेल्ट करने के लिए मैंने नीचे एक पैन में लिया है गर्म पानी, उसे आधा फिल किया है, उसे ऊपर उसके ऊपर रखा है मैंने हीट प्रूफ डिश। याद रखिए ये टच नहीं करे पानी के साथ, इसे रेगुलर चलाते हुए बिल्कुल कम सेक पे, लोएस्ट हीट सेटिंग पे सेट करके आप मेल्ट कीजिए। इसे मेल्ट करने के बाद भी थोड़ी देर तक हिलाते रहिए ताकि हीट निकल जाए इसका। इसे हमने मोल्ड में सेट करना है, याद रखिए पहले मोल्ड में हम डालेंगे, एक्सेस को निकाल देंगे कटोरी में और कटोरी रखेंगे बाहर ही, और इसे हमने रखना है फ्रीजर के अंदर मोल्ड को 5 से 7 मिनट। फिर निकालने के बाद जौन सा हमने कटोरी में निकाला है ना उसको भी कोट करेंगे, वो मैं बता दूंगी। अभी मैंने एक्सेस निकाल के इसको फ्रीजर में रख दिया है। एक तरफ अब मैं तैयारी करूंगी अपने चॉकलेट लड्डूज के लिए। चॉकलेट लड्डूज के लिए मैंने लिए हैं 2 चम्मच देसी घी एक पैन के अंदर, और इसमें मैंने डाला है बर्बन बिस्किट्स चॉकलेट वाले जो सबके फेवरेट रहते हैं 100 ग्राम्स। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, और इसे अच्छे से करना है मिक्स। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच हमारा मिल्क पाउडर, साथ में इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध, दूध डालने के बाद हमने इसे अच्छे से पकाना है तब तक जब तक कि ये एक पेस्ट या लड्डू का मिक्स के जैसा फॉर्म हो जाए। इसे लगेंगे हार्डली 1 से 1.5 मिनट, बस इसे चलाएंगे और हमारे बहुत ही डिलीशियस मिक्स रेडी हो जाएगा लड्डू का। नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने बनाना है चॉकलेट सॉस जो कि गर्मा गर्म पोर होगा हमारे बॉम्ब के अंदर। मैंने चॉकलेट बार्स ली हैं 2, दूध के अंदर 1.5 कप दूध है, 2 चॉकलेट बार्स ली हैं, साथ में 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच कॉफी, 1 चुटकी नमक जस्ट हमारे स्वीटनेस को इन्हांस करने के लिए, और साथ में ही में डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे गाढ़ा करेंगे रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के साथ, हमें बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए ये। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा कि ये मैंने मोल्ड को निकाला है, अब मैं इसे सेकेंड कोट करूंगी। मैंने जो सी कटोरी रखी थी जिसमें एक्स्ट्रा वाला चॉकलेट था वो बाहर ही था, इसे रीफ्रीज करेंगे 5 से 6 मिनट ताकि अच्छे से शेप ले लें। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बनाने हैं अपने चॉकलेट लड्डूस। मैंने जो सा मिक्स बनाया था ना उसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा टचेबल कंडीशन में हो तो इसको निकाल के आप कोकोनट के साथ, ड्राई कोकोनट के साथ इसे कोट भी कर सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। मैं कुछ को कोट करूंगी और कुछ को नहीं। फ्रेंड्स, जब तक ये मैं कोट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसानी से और आहिस्ता से मोल्ड में से निकाल लिए हैं। एक स्फीयर को मैंने आसानी से निकाल के उस पर मैंने लड्डूज और कुछ टॉपिंग्स दी हैं जैसे कि चॉको चिप्स, टूटी फ्रूटी, मिक्स सीड्स, आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिंग दे सकते हैं। साथ में मैंने बच्चों का फेवरेट जेम्स भी डाला है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड ऑन भी कर सकते हैं और कुछ भी निकाल भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। और दूसरा स्फीयर डालने का भी एक तरीका है कि हमने उसको चिपकाना है। उसको चिपकाने के लिए क्या करेंगे, हमने लिया है वॉर्म तवा। वॉर्म तवे के ऊपर मैंने बहुत ही आहिस्ता से दूसरे स्फीयर का एज को कर देना है मेल्ट
ताकि वो मेल्ट ही फटाफट से हमारे दूसरे स्वेयर के साथ चिपक के एक पूरा एक बॉम्ब का शेप ले ले। ये देखिए मैं कैसे मेल्ट कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट हाथों से करना है पहली बात। दूसरी बात, तवा बहुत तेज गर्म नहीं है ये मेरा। ये देखिए दूसरे मैंने स्वेयर के साथ इसको चिपका दिया है। सेम तरीके से ऊपर से टॉप करेंगे। पीछे मैंने रखे हैं अपने लड्डूज भी। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी। और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को अगर आपने मेरा वीडियो आज का पसंद किया हो तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।